आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। और वास्तु शास्त्र के हिसाब से दूध को खुला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? देखिए, दूध जो होता है वो लक्ष्मी का प्रतीक होता है। महाभारत, पद्म पुराण और कुछ स्मृति ग्रंथों में मनुष्य में रहन सहन के तरीके और कुछ नैतिक बातें बताई गई हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करने पर भी बड़ी आसानी से सफलता मिल जाती है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो निश्चित तौर पर यह किसी के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। मेहनत ना करना एक अलग बात है, लेकिन अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर पाने के लिए उत्तरदायी आपकी कुंडली के ग्रह हैं जो आपको सफलता दिलवा पाने में अच्छे होंगे, तो वहां पे आपको वास्तु के रूल्स फॉलो करने पड़ जाते हैं। देखिए, भगवान को फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन एक बात आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि रात होने से पहले वो फूल मंदिर से उठा लें। अगर फूल पूरा दिन मंदिर में रहते हैं तो इसे पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। उसी तरह दूध को खुला रखना भी एक बड़ी भूल है। गर्म दूध ढका नहीं जाता, लेकिन इसे बिना ढके भी नहीं छोड़ सकते। इसे जाली वाले ढक्कन जो होते हैं उसके अंदर रखना चाहिए, अन्यथा ये आपके लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। दूध का ये लॉजिक है और इसका सीधा संबंध हमारे घर में शांति, सुख और समृद्धि से रिलेटेड है। जैसे अलमारी है तो अलमारी खुली नहीं छोड़ना चाहिए। अलमारी खुला छोड़ने पर नेगेटिविटी बढ़ती है। अलमारी पर शुक्र का प्रभाव माना गया है, इस कारण इसे खुला छोड़ने पर घर में पैसा नहीं टिकता और फालतू खर्चा बढ़ता है। सेम चीज दूध है, दूध खुला नहीं छोड़े। दूध पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। दूध को खुला रखने से किचन में काम करने वाले लोगों की सेहत खराब होने लगती है और ऐसे घर में क्लेश होता और पैसा नहीं टिकता है, तो ऐसे घर में महिलाएं ज्यादा बीमार होती हैं। तो दूध का मैंने आपको लॉजिक बताया, तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।